स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? ए साउथ अफ्रीका, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है, जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीमों को आकर्षित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए ऑपरेशन मर्यादा, बी ऑपरेशन समृद्धि, सी ऑपरेशन सेंटिटी, डी ऑपरेशन शक्ति। आंसर ए ऑपरेशन मर्यादा। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाता है। हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चलान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? ए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, बी स्काईलार्क ड्रोन, सी AITMC वेंचर्स लिमिटेड, डी मारुत ड्रोन। आंसर सी AITMC वेंचर्स लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन, AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। विराज UAS ड्रोन बीज प्रसारण, कृषि रसायन छिड़काव और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न। फोनपे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, डिजिटल पेमेंट सर्विस फोनपे ने हाल ही में श्रीलंका में उपयोगी भुगतान शुरू करने के लिए लंकापे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा उपयोग और लंकापे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न। सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी जावेद अख्तर, सी शबाना आजमी, डी शाहरुख खान। आंसर सी शबाना आजमी। एक्सप्लेनेशन, मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला के अधिकारों का प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले 73 वर्षीय अभिनेत्री गत सप्ताह लंदन में आयोजित UK एशियन फिल्म महोत्सव UKAFF समारोह में सम्मान ग्रहण किया। ये पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।